तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 21। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 21A जहां पे सिलेंडर के बारे में आपको सारी चीजें बताई गई थी, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में, सेकेंड एक्सरसाइज 21B जहाँ पे आपको कोन के बारे में सारी चीजें बताई गई थी, और अब हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक्सरसाइज 21C जहाँ पे आपको आपके साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा स्फेयर। और बेसिकली स्फेयर का साथ में उसका हेमीस्फेयर देखने वाले हैं और क्या होता है वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 21C डिस्कस करने से पहले ऑफकोर्स मैं सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद साथ में हम उसको उससे पहले सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार सॉल्व एग्जांपल्स सारे समझ लिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में होते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तो बाद में पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट में यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, एक स्फीयर के बारे में पढ़ना है आपको और दूसरा जो पढ़ना है आपके पास हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, एक स्फीयर के बारे में और एक हेमीस्फीयर के बारे में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेंडर और कोन नहीं आएगा, जो एक्सरसाइज 21A और 21B जो आपके पास उसके दोनों का ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूँ कि स्फीयर क्या होता है, किस टाइप का शेप होता है। तो आपने देखा होगा बॉल, फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल की बात करें या फिर नॉर्मल जो बॉल आपके पास क्रिकेट वाली होती है वो भी बात कर लीजिए, तो उस टाइप का जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं आपके पास स्फीयर कहते हैं। बात समझ में आ गई। लाइक अगर आपके पास ये बनता कैसे, अगर आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए बड़ा सा सर्कुलर पेज ले लीजिए, मेरे पास अभी फिलहाल एक कॉइन है, ये क्या आपके पास एक सर्कल है, ये 2D फिगर है ना, प्लेन फिगर है, बट हम बात कर रहे हैं बॉल की। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, फिलहाल तो इस तरीके से बनाऊंगा मैं, इसको आपको बॉल समझना है, सर्कल नहीं समझना है, ठीक है। मानिए ये कि आपके पास सर्कल है, सर्कल को अगर आपने इस तरीके से घुमा दिया इस तरीके से पूरा पूरा, तो जो शेप निकल कर आएगी आपके पास, या फिर ऐसे ऐसे घुमा दिया कैसे भी घुमा दीजिए, ठीक है, जो निकल कर आएगी शेप वो क्या रहेगी आपके पास, स्फेयर रहेगी। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो आपको ये बॉल के जैसा समझना है कि आपके पास स्फेयर है ना, जैसे बोलते हैं अर्थ इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल, इस टाइप से, तो बस वही शेप यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सर्कल को ऐसे घुमाकर हमने या फिर ऐसे घुमाकर हमने क्या करा है, स्फेयर बनाया है। तो जितना रेडियस सर्कल का होगा ठीक उतना ही रेडियस आपके पास यहाँ पे सर्कल ये स्फेयर का भी होने वाला है, मतलब रेडियस आर लेट कर लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। और डायमीटर आपको पहले से ही पता है, डायमीटर क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, डी होता है, डायमीटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक हाफ क्या होता है आपके पास रेडियस होता है, एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज डायमीटर इज 2 times r। बताइए कोई प्रॉब्लम, और रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो बस ये छोटी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बारे में अपने को दो चीज के बारे में डिस्कस करना है, पहला वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। बताइए कोई प्रॉब्लम, पहला वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। तो अच्छा, सबसे पहले अपने को यहाँ पे फिर से सरफेस एरिया का मतलब बता देता हूँ, पहले भी समझाया। सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस जितना है उसको क्या करेंगे हम, पेंट कर देंगे। क्या करेंगे हम, पेंट कर देंगे। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी देखने को पहले मिलता था, बट इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं देखने को मिलेगा। रीजन इसके पीछे का सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो, इसका सिंपल आपके पास आता है फॉर्मूला 4πr² यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेरिवेशन फिर कभी आपको मैं करवा दूंगा। वैसे भी इस बार सिलेबस में आपके पास प्रूफ्स नहीं है सिलेबस में, है ना, इस टाइप का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलिए, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² आगे बात समझ में, आर क्या आपके पास रेडियस है, 4 मालूम है कौन सा नंबर है, पाई आपको मालूम है 22/7, राइट। चलिए, ये होगा आपके पास सरफेस एरिया। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं आता, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास सिलेंडर था, तो सिलेंडर ओपन, ऊपर से क्या हो सकता, तो ओपन हो सकता है, नीचे से क्या हो सकता, तो ओपन हो सकता था, ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है। जहाँ पे ओपन वाली सिस्टम आती है वहाँ पे कर्व्ड और फिर टोटल आता है जब क्लोज करते हैं, ये ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकल कर आता है, बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं रहता। तो आप टोटल सरफेस एरिया बोलिए या फिर नॉर्मली सरफेस एरिया बोलिएगा, आप स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बारे में ही बात करेंगे हमेशा। बात समझ में आ गई, डन है। ये कहानी होगा इसके सरफेस एरिया के बारे में। एक चीज और समझ लेते हैं, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, 4/3πr³ रट जाना चाहिए अब भी साथ के साथ, क्योंकि अभी हम आपको सॉल्व एग्जाम्पल करवाएंगे इसी वीडियो में, वहां पे मैं बार बार फॉर्मूले लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाऊंगा। बात समझ में आती है, डन है। चलिए, सरफेस एरिया हो गया 4πr², वॉल्यूम हो गया 4/3πr³, याद हो गया,
चलिए एक छोटी सी चीज इसमें मैं आपको और साथ में सिखाना चाहूंगा, वॉल्यूम का मतलब ऑलरेडी बताया, फिर से बताता हूँ। मान लीजिए इसके अंदर मैं कितना चीज को मटेरियल को रख सकता हूँ, लेट से वाटर फिल कर रहा हूँ, हॉलो है, अगर ये हॉलो है तो कितना वाटर रख सकता हूँ उसको समझ लीजिए, ठीक है, उसको मैं वॉल्यूम कहेंगे। अदरवाइज अगर ये कम्प्लीटली सॉलिड है, मान लीजिए कि मेटेलिक आयरन से बना हुआ पूरा का पूरा सॉलिड एकदम गोला सा बहुत भारी है, अब मैं इसको बताऊंगा कितना इसमें इसका वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये है इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है। या फिर अगर हॉलो के केस में मटेरियल पूछ लिया तो उस केस में भी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जैसे हॉलो है तो ये वाला सरफेस रहेगा, सिर्फ ये वाला, यहाँ यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ, पूरे में यूज नहीं हुआ, तो उसको भी हम मटेरियल कितना यूज हुआ उसको भी हम एक वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा ये वाला जो मटेरियल कितना यूज हुआ है, मटेरियल यूज वो कैसे निकालेंगे, उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। अब समझिएगा उस चीज को मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा होगा, फोर अपॉन में थ्री पाई और ब्रैकेट में आर का क्यूब और माइनस का आर का क्यूब कर रखा होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये निकल कर कैसे आता है, समझना बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये आपके पास बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है, बड़ा वाला क्या मतलब कोई सा भी एक स्फीयर मान लीजिए, तो यार जो भी मटेरियल बना हुआ मान लीजिए हॉलो ही बनाना है, अंदर से खाली ही बनाना है, नो प्रॉब्लम, खोखला है अंदर से, लेकिन फिर भी ये जो थिन शीट्स होंगे वो तो लगे होंगे ना बनाने में, पूरे 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 चारों तरफ में क्या होगा, मान लीजिए बॉल है, तो बॉल को बाहर से जो क्या कहते हैं उसको, जो भी मटेरियल लगता है, जो भी चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे कुछ और भी हो, है ना, लेदर वेदर कुछ भी हो, वो जो लगता है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हो रही होगी, तो उस थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दो स्फीयर देखने को मिलता है। आप बोलिएगा दो स्फीयर कैसे देखने को मिलता है सर, तो मैं आपको समझाता हूँ दो स्फीयर कैसे देखने को मिलता है। एक तो बाहर वाला स्फीयर समझिए और एक अंदर वाला जो खोखला वाला है वो, तो यहाँ पे भी आपके पास दो तरह के रेडियस देखने को मिलेंगे, एक तो सेंटर से यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक, यहीं तक, क्योंकि इसकी ये वाली क्या हो गया आपके पास थिकनेस हो गया, तो ये वाला रेडियस हो गया जिसको हम कहेंगे छोटा वाला आर, और एक होगा यहीं से, ये वाला रेडियस हम अगर बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल बाहर तक, यहाँ तक ये वाला रेडियस, तो इसको हम बड़ा वाला आर बोलते हैं और इसको हम छोटा वाला आर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो रेडियस आ गए, मतलब आपके पास दो स्फीयर है, एक बाहर वाला स्फीयर पूरा और एक इंटरनल वाला स्फीयर पूरा, इसको कहते हैं इंटरनल रेडियस, क्यों, क्योंकि वो इंटरनल स्फीयर के लिए है, और इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल रेडियस, बताइए कोई प्रॉब्लम, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, यहाँ से समझ में आ गया। अब आपको अगर सिर्फ इसका इस वाले मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ इस मटेरियल का वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे, पूरे बाहर वाले में से अंदर का जो ये जो खोखला पार्ट है उसको हटा देंगे तो यही तो बचेगा, इसीलिए 4/3 पाई और बड़ा वाला आर का क्यूब, मतलब बड़े वाले का निकाल दिया और उसमें से माइनस कर दीजिए अंदर वाले का, खोखले वाले का, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा आर का क्यूब बड़ा वाला और फिर छोटा वाला आर का क्यूब। देखिए यही वाली चीज निकाल कर लिख रखा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का, बोले तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना यूज होगा उसके लिए, अब जो यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के केस में, और मीटर होगा तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, डन है। तो आपके पास सरफेस एरिया के केस में, वॉल्यूम के केस में और मटेरियल के केस में यही तीन फॉर्मूला है, किसके बारे में, स्फीयर के केस में यही तीन फॉर्मूला, पहला दूसरा तीसरा, सबसे ज्यादा इन दोनों को फॉर्मूले का यूज करेंगे, हद से ज्यादा यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा, क्या होता है आधा, बोले तो हाफ, अब बात आती किसका हाफ, तो स्फीयर का हाफ, तो स्फीयर का हाफ कर दीजिए, आपने कभी बॉल से खेला होगा फ्लैश वाली बॉल देखा, मारते हैं तो क्या हो जाता है फट जाता है, मान लीजिए बिल्कुल बीचों बीच में से फट गया तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, इस तरीके से नज़ारे दिखाएंगे, इस तरीके से है ना, ये वाला नीचे वाला पोर्शन मान लीजिए हाफ ये है और हाफ ऊपर और हो रहा होगा, बात समझ में आ रही ना, मान लीजिए पूरा था ना, पूरा था, तो यहाँ से ये वाला जो बॉल है वो फट गया, यहाँ से क्या हो गया ये बॉल क्या आपके पास फट गया, तो आधा नीचे का है और आधा ऊपर का है, दोनों को मान लीजिए ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो आधा जो बचा है आपके पास पोर्शन वो क्या है आपके पास स्फीयर है, ये क्या स्फीयर है, ये क्या आपके पास स्फीयर है, बात समझ में आ गई, ये क्या ये स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर है ना, हाफ कर दिया इसका, तो स्फीयर का क्या हो गया आधा हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास हेमिस्फीयर हो गया, बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब आपको हेमिस्फीयर के बारे में पता चल गया कि क्या किस तरीके का शेप होता है, अब मैं इसके बारे में
फिर से वही तीन चार चीजें डिस्कस करूंगा। इसके बारे में चार चीजें मुझे डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। रीजन सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब बात आती है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों आ गया, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए आया क्योंकि ये ना ओपन है, और ओपन होता है तो सिर्फ बाहर बाहर को, सिर्फ इधर इधर पेंट करना है अगर मुझे, या फिर कवरिंग करनी है, गिफ्ट पैक करना है मान लीजिए शिप का, तो सिर्फ बाहर बाहर अगर मैं जो भी मटेरियल यूज करूंगा मैं पेंट वगैरह करने के लिए, तो वो होगा सरफेस एरिया, जिसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। बताइए पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 πr² ओनली, मैंने वॉल्यूम की जगह लिख दिया, सॉरी 2 πr का स्क्वायर। इसको देखिए ये क्या था, 4 πr², तो उसका हाफ हो जाएगा सिर्फ इतना ही पोर्शन, इसमें पूरा करना था इसमें आधे में करेंगे तो 2 πr² आ जाएगा। इसका क्या 4 πr², इसका क्या हो जाएगा 2 πr², क्या है ये कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात, डन है, फिर से सुनिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। इस केस में टोटल सरफेस एरिया आता है कैसे, क्योंकि ऊपर से क्या आपके पास ये वाला ओपन था, अब मैं क्या करूंगा इसको, क्या कर दूंगा मैं क्लोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं इसको क्लोज करूंगा, तो क्लोज करूंगा तो देखिए 2 πr² तो था ही था, लेकिन एक सर्कुलर प्लेट मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी इसको क्लोज करने के लिए, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो ऐड कर दूंगा 2 πr², यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो कितना हो जाएगा ये 3 πr². तो टोटल सर्फेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 3 πr². बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, आगे चलिए। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है अगेन इसका हाफ कर दीजिए, वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है, 4/3 था तो इसको करिए 2/3 πr³, जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा था 2/3 πr³। ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। एक और ये मटेरियल कितना यूज हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ हाफ कर दीजिए, सिर्फ क्या कर दिया हाफ कर दिए, यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा आपके पास मटेरियल यूज है ना, मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बेसिकली, तो यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो आ जाएगा 2/3 π बड़ा वाला r का क्यूब माइनस छोटा वाला r का क्यूब, खत्म बात। बड़ा वाला r यहाँ से लेकर बिल्कुल बाहर तक का होगा, छोटा वाला यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक का होगा स्मॉल r, बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल होती है, डन है। तो स्फीयर के आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए और हेमिस्फीयर के आपके पास 4 फॉर्मूले आ गए, बस इन 7 फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे और अपना जो सॉल्ड एग्जांपल रहेगा और पूरा का पूरा एक्सरसाइज उसे हम निपटा देंगे। तो फटाफट क्या कीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं बोले तो सॉल्ड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है अपने को, है ना आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। तो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, ये स्फीयर समझना है, रेडियस कहता है कितना है, डायमीटर दे रखा है बेसिकली 21 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा क्या डायमीटर है यार, डायमीटर जब 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा इसका हाफ, सो इट विल बी 21/2 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए रेडियस आपको पता चल चुका है, अब हमसे इसके बारे में दो चीज निकालने के लिए बोला, एक तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालूंगा क्या होगा 4πr का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 × π, π की जगह पे 22/7 लेने को कहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, r का स्क्वायर क्या 21/2 × 21/2, r का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 2×2 = 4 से 4 को डाल दीजिए, 7×3 = 21 हो जाएगा, ठीक है, 22×3 = 66, 66 × 21, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 66, ये आ जाएगा 66, 6×2 = 12, 132 से आ जाएगा 1386, आ जाएगा 1386, 1386 cm² हो जाएगा, क्योंकि अपना क्या था ये एरिया था, एरिया होता है स्क्वायर में, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरे के पास चलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है 4/3 πr³ होता है, 4/3 π की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई r का क्यूब मतलब 21/2 × 21/2 × 21/2 सॉल्व कीजिए, 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे, 7×3 = 21 हो जाएंगे, 3×3 कैंसिल हो जाएंगे, 2×2 = 11 में हो जाएंगे, 21×21 = 441 होता है, 441 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप 441 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, 1584481, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों क्यों ये वॉल्यूम है, तो ये हो गया आपके पास 1386 और 4851, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 के पास, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4
36 पाई, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है और आपसे पूछता है कि सरफेस एरिया बताइए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr का स्क्वायर। सरफेस एरिया निकालना तभी पॉसिबल है जब आपको रेडियस पता चलेगा, जब आपको रेडियस पता चलेगा। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr का क्यूब और इक्वल टू ये कितना दे रखा है 36π, दोनों से इसमें सेंटीमीटर लगा लिए, इधर भी रहता कट जाता, वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। अब रेडियस तो निकलेगा यहाँ पर सेंटीमीटर में निकलेगा, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, पाई से पाई को डाल दीजिए, आर का क्यूब इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 36 × 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में 4, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आर का कितना हो जाएगा क्यूब, 4 × 36 चलिए 9 आ गया, इसको लिखे 3 × 3 × 3 9 को लिखे 3 × 3 और 3 पहले था, इसको लिख दीजिए r का क्यूब, है ना, मतलब बोले तो 3 का क्यूब आ जाएगा इस तरीके से, है ना। अब देखिए पावर सेम होते हैं तो बेस क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो बेस कितना आ जाएगा आपके पास 3, r की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 3 सेंटीमीटर आ गए। बात समझ में आया, रेडियस पता चल गया। अब सरफेस एरिया निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 4, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह 3 × 3 सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे नहीं, 3×3 9 चुके 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 72 7 × 9 2 792/7 792/7, ये इसको थोड़े से डेसिमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल में लाते हैं 792/7/7/7 92 डिवाइडेड बाय में कितना है 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 113.14 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में इन्होंने बोला आपको निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 113.14 ये बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 113 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था ना। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन, मुन्ना सा क्वेश्चन। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कहता है ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास बुक होनी चाहिए समझने के लिए अच्छे से, है ना। रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेट मी चेक और क्या गिवन है, एंड इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू योर सॉलिड राइट कोन्स। तो आपको इसको कोन बनाने के लिए क्या करा जा रहा है, मेल्ट करा जा रहा है, और ईच ऑफ रेडियस, और बहुत सारे हैं जिनका रेडियस आपके पास 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जहाँ पे आपके पास नंबर पूछे जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए अगर मैं बोलता हूँ इसका, देखिए इमान ये सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है पूरा का पूरा, इसको मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। अब अगर मैंने मेल्ट कर दिया तो बहुत सारा हो गया, नो प्रॉब्लम। अब उसको क्या करेंगे, हम कोन के शेप में रिकास्ट कर देंगे, बना देंगे, लेकिन बहुत सारे कोन बनाएंगे, कितने बनाएंगे ये अपने को नहीं बताया है, वही अपने को निकालना है। अब कितने बनाएंगे वो डिपेंड करेगा इसका वॉल्यूम कितना है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा रिकास्ट करने के बाद, मेल्ट करने के बाद जो आएगा उतनी ज़्यादा कोन बनेंगे। बात समझ में आती है। अच्छा एक बात बताइएगा, बस इतनी सी बात बताइए, इस पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा क्या वो उसके इक्वल नहीं होगा जितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे, बताइए हाँ या नहीं, उतना ही के इक्वल होगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कोन बन रहा है और उसको मुझे नहीं पता कितने, अगर मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएगा या नहीं चलेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड, बताइए हाँ या नहीं, रिकास्ट जो बनाया गया उसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर will be equal to volume of all cones formed, बताइए हाँ या नहीं। अब ये जो volume of all cones होंगे वो किसके equal होंगे, एक कोन का वॉल्यूम 1/3πr² आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, और कितने बनेंगे नहीं मालूम तो आप उसको क्या कह सकते हैं, एन कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, दैट इज 4/3πr का क्यूब। अब दोनों में रेडियस हाइट वगैरह चेंजेस रहते हैं, है ना, तो इसका रेडियस की जगह 1 बोल देता हूँ, इसके रेडियस की जगह 2 कर देता हूँ, बाकी सब कुछ तो अलग है ही है। आप चाहें तो पाई से पाई को उड़ा सकते हैं, नीचे वाला 3 से 3 को उड़ा सकते हैं, सेम होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बचेगा 4r1 का क्यूब इज इक्वल टू, इधर बचा आपके पास r2 का स्क्वायर टाइम्स h और मल्टीप्लाई में n, अपने को यही n निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कोन्स
बनेंगे। बात समझ में आ गई? देन तो अब इनके वैल्यूज रख दिए फटाफट, ये आ जाएगा 4 × r1 का क्यूब। तो r1 कितना था? वो r1 इसका नाम दिया था ना, इसको r1 और इसको वाले रेडियस को r2 का नाम दिया था, राइट। तो हो जाएगा 15 × 15 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपको 15 और इक्वल टू में r2 का स्क्वायर। तो r2 ये था ना 2.5 मल्टीप्लाई में 2.5 और मल्टीप्लाई में हाइट की जगह कितना आपके पास 8 और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास n। चलिए अब क्या कीजिए फटाफट, ये मल्टीप्लाई में एन के साथ इसको डिवाइड में भेज दीजिए, आ जाएगा 4 × 15 × 15 × 15 और डिवाइडेड में आ जाएगा 2.5 × 2.5 × 8। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। एंड उसको आपको बता देना स्टार्टिंग में कि लेट द नंबर ऑफ कॉन्स रे कास्टेड इज इक्वल टू एन, ठीक है, तभी जाकर बाद में एन की वैल्यू बताना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, डेसिमल नीचे सटेंगे ऊपर जाएंगे तो 100 आ जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटिए 50 बार में। आगे चलते हैं, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, अच्छा अच्छा 3 टाइम्स में, और ये वाला उड़ गया, ठीक है। और 5 से इसको काट दीजिए कितने बार में, 10 बार में, ठीक है। 3 × 9 = 27, 27 × 2 = 70, तो 270 बच गया आपके पास। देखिए आपको जैसा आसान लगता है वैसा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, बस काटा पिटी करना है, ठीक है, और काटा पीटे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बस ऊपर नीचे काटते जाने। समझ में आ गई बात? डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। बोले तो इसमें हम कितने कॉन्स बना सकेंगे, 270, कितने, 270। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट डज इट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, ये हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, रेडियाई मतलब क्या हो गए, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, तो एक से ज्यादा रेडियस होता है, रेडियाई बोलते हैं, RADII, ठीक है, इस तरीके से कहता है। 2 है स्फीयर के रेडियस, 1 8 है और 1 कितना है 6 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 6 सेंटीमीटर है और जो बाहर वाला रहेगा, बाहर वाला यहाँ तक का, वो 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस तरीके से दिखा दीजिएगा ये वाला, ठीक है, बाहर वाला मतलब इसके कुछ ना कुछ क्या आपके पास थिकनेस है, ये वाले जो मटेरियल लगा है यहाँ पे वो थिकनेस की बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट बता दिया ना मैंने इसी वीडियो में। अब इनमें क्या कहता है, एंड इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स। अब फिर से इसको रिकास्ट कर गया है और स्मॉल कॉन्स बनाने के लिए, और जिसका जो रेडियस दे रखा है आपके पास 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है आपके पास 8 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स रिकास्टेड। तो बिल्कुल फिर से सेम क्वेश्चन है, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या करना आपको, इक्वल रखना है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देना, वही एन की वैल्यू क्या करनी, निकालनी है। मतलब एन अगर आपको पता भी करना, कई बार भूल जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रिकास्ट होकर बन रहा है ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा उसका वॉल्यूम छोटा होगा, क्योंकि मैं एक की बात कर रहा हूँ अभी, तो आपको हमेशा बड़े वाले को डिवाइड कर देना छोटे वाले वॉल्यूम से। मतलब अगर मैं यहाँ पे एन निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल दूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होगा। नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन कोन, भाई ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कोन नहीं, वन कोन। समझ में आ गई बात? चलिए तो एन की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, एन विल बी द नंबर ऑफ कॉन्स फॉर्म। समझ में आ गई बात? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कैसे दिया है, अंदर से हॉलो है ये, आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग में, राइट, 3 फॉर्मूले बताए थे। तो उसका क्या था आपके पास, याद कीजिए, 4/3 πr³ − r³ इस तरीके से डिवाइडेड बाय में, नीचे में वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या होता है, 1/3 πr² h, क्या होता है, 1/3 πr² h, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा मेरे पास, ऊपर बच गया 4r² − r³ डिवाइडेड बाय में, नीचे बच गया r² h, है ना। इसको आप रेडियस अलग अलग है, ऊपर वैसे भी यहाँ पे हमने लिख ही दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, याद जाएगा 4 (r³) बोले तो बड़ा वाला r है ना, तो 8³ माइनस का छोटा वाला r ऐसे कर देंगे, डिवाइडेड बाय में r² h, मतलब इसका वाला r, तो 2 × 2 × हाइट की जगह कितना 8 है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट, याद जाएगा 4, इसको आप क्या कर दीजिए, एक तो आपके पास फॉर्मूला लगाने का तरीका नहीं, तो क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा 8³ 512, 6 × 216 सॉरी, और 2 × 2 = 8, 8 और इसको कैंसिल कर दिए, देखिए यहीं पे कैंसिल कर सकते थे 4 से 4 को, और नीचे क्या बचता आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 8 बचता, इक्वल टू में ऊपर कितना 512 में 216 को घटा दीजिए, 512 में से 216 को घटा दीजिए, कितना बचा, 12 में 6 जाएगा 6, कितना बचा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा ना 296, तो ये आ जाएगा 296 डिवाइडेड बाय में 8, काट दीजिए 8 + 24, 8 + 56, 37,
तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 37 कॉन्स बन जाएंगे। एन की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 37। बताइए कोई प्रॉब्लम, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो ठीक इसी तरीके से आसान आसान से बिल्कुल एकदम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है, चीजों को आपको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। जब भी आपको नंबर निकालने के लिए बोला जाए ना कि इतने नंबर फॉर्म होंगे, इतने नंबर फॉर्म होंगे, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में छोटे वाले का वॉल्यूम, खत्म बात, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 मीटर सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेरिकल बाउल बना देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, हेमिस्फेरिकल बॉल बना देते हैं इस तरीके से, आपके पास बनेगा, है ना। चलिए बना दिया इस तरीके से, मान लिए बॉल है और इसका जो डायमीटर 7.2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 3.6 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दिया मैंने, रेडियस ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। कंप्लीटली फिल विद चॉकलेट सॉस, इसमें चॉकलेट सॉस भरा हुआ है पूरे में, पूरे में आपके पास चॉकलेट सॉस भरा हुआ है भाई, क्या बात है। चलिए आगे बोलते हैं, कहता दिस सॉस इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, कहता है इसमें से जितने भी सॉस थे उसको मैंने एक इन्वर्टेड कोन में से, इन्वर्टेड कोन मतलब इस शेप का होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये इस कोन में होता है, इसमें हमने पुट कर दिया, यहाँ से इसमें हमने डाल दिया। तो कहता है इसके और इसका जो रेडियस दे रखा है वो गिवन है, रेडियस कितना गिवन है आपके पास, 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसमें पोर कर दिया। कहता है कितना हाइट होगा इसका, जितना हो सकता है यहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है, कहीं तक भरा हुआ हो सकता है, तो हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट लेट कर लेंगे, मान लिया कि इतने तक भरा है, जरूरी नहीं पूरा भरेगा, हो सकता है इतना ही भरा, हो सकता है पूरा भरा हो, अपने को ही मालूम, बट जितना भी भरा उसकी हाइट हमने h मान लिया है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, समझ में आगे बात। और जो हाइट निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। आप देखिए एक छोटी सी चीज बताइए, इसमें जितना सॉस भरा हुआ था चॉकलेट सॉस, वही उतना ही चॉकलेट सॉस तो मैंने इसमें डाला है ना, और साथ में एक चीज और देखिएगा, इसमें जो चॉकलेट सॉस भरा था वो पूरा भरा था, और पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो जितना वॉल्यूम इसमें था 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉस दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉस कंटेन इन द, इसका क्या नाम है इसका, कोन। तो इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस आपको हाइट नहीं पता, रेडियस अलग अलग है, 1 2 1 2 1 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉस, हेमिस्फेरिकल में सॉस और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। चलिए याद है आप 2 से 3 को 3 कोड आ सकते हैं, पाई से पाई कोड आ सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, 2 बचा, R1 का क्यूब बचा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, R2 का स्क्वायर टाइम्स H बचा, 2 मल्टीप्लाई R1 का क्यूब मतलब 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर मतलब 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, और हाइट तो अपने को निकालना ही है, तो ये दोनों क्या होंगे इधर डिवाइड में आ जाएंगे, तो इधर सिर्फ एच रख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, राइट। चलिए डेसिमल हटाएंगे ऊपर से 3 तो नीचे आ जाएंगे 1000, और नीचे से 2 जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई ना बात। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए, अब कहीं पे भी आपके पास डेसिमल नहीं है, 2 से काट दीजिए इसको 24 बार में, और ऊपर नीचे काटना शुरू कर दीजिए 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 12 से 12 चौक 48, 12 से 3 बार में, 4 2 8 8 9 36, ठीक है। चलिए अब ऊपर कितने बच गए, ये 20 से ये 20, नीचे कितने बच गए 10, अब ऊपर क्या क्या बचा वो देख लीजिए, 3 3 9, इसके अलावा और क्या बचा, क्या 3 3 9 9 81, कितना आया 81, और डिवाइडेड में कितना बचा है, सिर्फ एक 10 बचा, ये वाला 10 है ना, भूलना नहीं है, इज इक्वल टू एच। तो ये क्या आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.1, और ये किस में आएगा आपके पास, सेंटीमीटर में, और ये निकाल दिया आपने हाइट ऑफ द कोन, बताइए हाँ या नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये, तो हाइट ऑफ द कोन तो 4.05 निकल कर आ रहा है, इसका मतलब नीचे एक 2 और बचा है, 2 और बचा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं पे एक 0 और बचेगा, ठीक है, क्यों बचेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये वाला 2 से किसको कैंसिल आउट करा था, ये वाला 2 थोड़ी काटा था, 4 2 8 8 9 4 9 36 होगा, ये वाला 2 नहीं काटेगा, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये 4 2 8 और 8 9 36 काटा था, अभी मुझे याद आया, लेकिन 4 9 36 होगा, ये 2 बेचारा ऐसे ही रहेगा, मतलब नीचे जो बचेगा कितना बचेगा, 20 बचेगा, 2 और 10 20 बचेगा, और उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.05 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, दिस विल बी द हाइट ऑफ कोन। तो इतना हाइट हो सकता है,
पूरा कितना है, मतलब पूरा ही निकाल दिया एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, क्लियर होगी बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ठीक है? तो कैलकुलेशन पर थोड़ी सी पकड़ रखनी पड़ेगी आप लोगों को। ये चैप्टर है ही ऐसा जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब थोड़ी नहीं, अच्छे से आनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करने के बाद आंसर रिजल्ट निकाल सकते हो करेक्ट वाला, राइट। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। कहता था गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कॉनिक सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है? तो एक आपके पास कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये फिगर गिवन है आपके पास। कहता था डायमीटर ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो बेस का डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है कोन का, एंड द स्लेंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। पहले निकालना है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, और दूसरा निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। तो एक आपके पास हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। अब रेडियस जो ये है वो दोनों के लिए काम करेगा सेम सेम, देखिए इसके लिए भी इसके लिए भी। हमें निकालना हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना ये वाला, तो ये कितना ज़्यादा आसान है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है इसमें, है ना? कोन के केस में ये एल होता है विच इज कॉल्ड स्लेंट हाइट, ये होता है आपके पास हाइट, और ये क्या होता है आपके पास रेडियस, खत्म बात। आप इन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन होता है एच स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस से देख लिया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सामने। चलिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, वैसे आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो ये तो एल निकालने का फॉर्मूला हो गया, एच निकालने का फॉर्मूला था रूट के अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी इधर उधर करके निकाल दिया, और जब आर निकालना होता तो रूट के अंडर में एल स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर हो जाता था। तो फिलहाल मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए मैं अंडर रूट में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का यूज करूंगा, तो हाइट इज इक्वल टू एल का स्क्वायर दैट इज कितना है एल का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि रेडियस यहाँ पे 6 कैसे हो सकता है, अगर वही तो डायमीटर 6 है, सॉरी रेडियस 3 है, क्योंकि अब माइनस करते तो नेगेटिव आ जाता है अंडर रूट में, पॉसिबल नहीं है। ये जो आपके पास ये डायमीटर जो था वो 6 था, ठीक है, गिवन है आपके पास डायमीटर 6 था, रेडियस 3 है, तो बीच में माइनस हो जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, 25 माइनस का 9 कितना आ गया 16, तो अंडर रूट में 16 कितना आता है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, पहला पार्ट हो गया। दूसरे बोलता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब पूरे का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बताइए हाँ या नहीं, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, प्लस में इसका होता है 1/3 πr², समझ में आ गई बात। अब आप इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं या फिर पहले आप कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1/3, नीचे में दोनों में तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई दोनों में, आर दोनों का सेम सेम है, क्योंकि देखिए सेम सेम है, अगर अलग अलग होता तो मैं R1 और R2 जरूर लिखता, तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे एक तो 2 बचा, एक R बचा, बीच में प्लस, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास H बचा। एक तो आपके पास तरीका था, आप सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट मिलेगा 100%, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटी कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं, तो याद आएगा 1/3 पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 3 × 3 ब्रैकेट में 2 × आर की जगह 3 प्लस में हाइट की जगह कितना है 4, अभी निकाला था ना इसकी हाइट, समझ में आ गई बात। चलिए अब क्या कीजिए, 3 से 3 को उड़ा दीजिए, मेरे पास क्या बचा 22 × 3 में 3 ऊपर बचा, 7 नीचे बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 जा 6 और 4 कितना हो गया 10 आ गया, नीचे यहाँ पे 10 आ गया, अब ऊपर आ गया 22 या 66 660/7, और क्या निकाला था हमने, ये हमने निकाला क्या वॉल्यूम में, तो सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर आ गया आपके पास। आप चाहें तो इसको डेसिमल में ला सकते हैं, नियरेस्ट वेरेस्ट तो नहीं बोला, नियरेस्ट नहीं बोला ना, अच्छा डिवाइड करके 94.29 आ रहा, मैंने आंसर अभी देख लिया उसमें 94.29 cm³ आ रहा, तो डिवाइड कर लीजिएगा, ऑफकोर्स छोटी सी चीज़ आप लोगों के लिए, है ना। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास, ऑफकोर्स समझ में आ रही बात, डन है। चलिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है ए सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कोन है आपके पास, रेडियस आपके पास
5 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ऑफकोर्स मैं पहले सॉलिड कोन बना देता हूँ ये वाला, है ना, रेडियस 5 है और हाइट 8 है, ठीक है। आगे क्या कहता है वो देखिए, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू स्मॉल स्फेयर्स। अब इसको रिकास्ट करा जा रहा है मेल्ट करने के बाद छोटे छोटे स्फेयर में, ईच ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इनका रेडियस है। अब हमसे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ स्फेयर्स फॉर्म्स। यार अभी इसी का उल्टा तो करवाया था ना, स्फेयर था मेल्ट करवाया था, कौन बनाया था, अब कौन को मेल्ट करवा के क्या बना रहे, स्फेयर बना रहे। तो मैं कह सकता हूँ ना इजीली, बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये बताया था कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जितने जो स्फीयर है वो फॉर्म हो रहे हैं उसके इक्वल होंगे। तो एक का तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, और कितने फॉर्म हो रहे हैं नहीं पता, तो उसको हम एन बोल रहे थे। तो एन मल्टीप्लाई मैन तो टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, मेरे पास वॉल्यूम मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या किसके इक्वल होगा, जितना हमारे पास टोटल वॉल्यूम था, जितने नंबर ऑफ स्फीयर बनेगा ये क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, और एक का वॉल्यूम इससे मल्टीप्लाई करते तो टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल, जितना अपने पास कोन का सॉलिड का जो वॉल्यूम था, समझ में आ गया। ये दोनों को इक्वल कर दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, रेडियस सबका अलग अलग है तो 1 और 2 बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, R1 का स्क्वायर टाइम्स एच और डिवाइडेड बाय में 4 बचा, और क्या बचा, R2 का क्यूब बचा, और इक्वल टू में एन बचेगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले जाए और कुछ नहीं। अब क्या वो कर दिया, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, R1 का स्क्वायर 5 का है तो 5 × 5 लिख दूंगा मैं, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई में हाइट भी है तो 8 है, डिवाइडेड बाय में 4 है और मल्टीप्लाई में R2 का क्यूब मतलब दूसरे का रेडियस का क्यूब जो स्फीयर था। आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, बोले तो जो छोटे छोटे स्फीयर है, और मल्टीप्लाइड में वो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर्स फॉर्म, ठीक है। 4πr का क्यूब है ना, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5 × 0.5 और एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर चले जाएंगे 1000, है ना, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, 3 0 ऊपर। अब इसको काटापिटी कर दिए, 4 से काट दीजिए इसको 2 बार में, और क्या कीजिए, 5 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए इसको पहले 2 बार में, और याद रखिएगा 200, फिर से ये वाले 5 से काट दीजिए 40 बार में, फिर से 5 से काट दीजिए 8 बार में, तो नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया 5 × 5 यहाँ पे बच गया 2, और मल्टीप्लाई में यहाँ बच गया 8 = n, और मल्टीप्लाई कर दिए 25 5 5 25 2 50 58 8 5 40 400 जो n है वो छोटे छोटे जो आपके पास निकल कर आने वाले हैं, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो ये है आपके पास, और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, ऊपर नीचे काटना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, बात समझ में आती है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा सा नचना सा नुना सा। तो एक बात बता देता हूँ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 के पास, कहता है द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 1256 cm². तो स्फीयर है और वो सॉलिड है, स्फीयर भी है और सॉलिड है, और इसका जो सरफेस एरिया है आपके पास, सरफेस एरिया है 1256 cm² है। इट इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस, फिर से ये कोन में ही बना रहा है आपके पास, और इसकी रेडियस गिवन है आपके पास कितनी है, जस्ट लेट मी चेक, 2.5 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट कितनी है, 8 है। यार ऐसा क्वेश्चन तो था, बस वॉल्यूम ये इस, बस इतना सा चेंज था, इसका रेडियस गिवन था शायद 15 गिवन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या कुछ और होगा, चलिए तो वॉल्यूम तो रेडियस गिवन था, इसका वॉल्यूम निकाल रहे थे और इसका वॉल्यूम एन से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे, एन की वैल्यू निकल जा रही थी, है ना, 270 के साथ के आसपास निकल रहा था, 270 था। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे फटाफट देखिए, हमें इसका सरफेस एरिया गिवन है, क्यों दिया है सरफेस एरिया, बट हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस निकालने के लिए आपको सरफेस एरिया दिया और कुछ नहीं। तो सिंपल समझिएगा, मैं सरफेस एरिया की जगह लिख सकता हूँ ना 4πr² का स्क्वायर, बोलिए हाँ यानी, और इक्वल टू मैं 1256, यहाँ से रेडियस निकाल लूंगा मैं, यह आ जाएगा 4π, नीचे आ जाएगा, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1256 मल्टीप्लाई 4π, और पाई की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, या जाएगा 1256 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई पाई का जगह 7 चला जाएगा आपके पास ऊपर, कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 2 से काटिए ये 2 बार में, या फिर 4 से सीधा काट दिए, 4 × 12 फिर 4 × 4 = 16 फिर 11 से कट जाएंगे, ये क्या चेक कर लूँ, क्या 11 से कटेंगे ये 2 बार में, और 11 2 = 22, और उधर कितने बच गए,
44 सिर्फ चार ही बचने चाहिए थे, मज़ा नहीं आया मेरे हिसाब से, नहीं कटेगा। तो इसको 314 ही लिख लेता हूँ, 314, और इसको 22 ही लिख लेता हूँ, दो से काटता हूँ, दो से 11 बार में, दो से 157 टाइम्स में, ठीक है। अब काट लेता हूँ, है ना, 11 से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो ऐसा करता हूँ इसको इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 157 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, कटना तो चाहिए यार ऐसे कैसे, कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एक बार चेक करता हूँ, कटना तो चाहिए। अच्छा पाई के आपके पास पाई की जगह ना 3.14 लेने के लिए कहा है, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कट नहीं रहा क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट बनना चाहिए बिल्कुल मस्त सा। अब समझिएगा यहाँ पे क्या गड़बड़ है, पाई के प्लेस में 3.14 लेने को कहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा कितना है ये 1256 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, इसके जगह लिख दीजिए 3.14, समझ में आगे बात, डेसिमल हटाइए ऊपर चला जाएगा 100। चलिए 314 से इसको काट दीजिएगा ना, चार बार में कट जाएगा, और ये चार से चार बार में कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 बना लेगा, तो ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो रेडियस आ जाएगा सेंटीमीटर में, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, समझ में आई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने इसका क्या कर दिया, रेडियस निकाल दिया है, जब हमने इसका रेडियस निकाल दिया था हमें इसकी वॉल्यूम की जरूरत थी, तो आप क्या करूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन और मल्टीप्लाइड बाय मैं टोटल नंबर ऑफ कोन जितने फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकालूंगा 4/3 पाई आर का क्यूब, और इज इक्वल टू मैं इसका रेडियस 1 निकालता हूँ, इसका रेडियस अलग होगा 1/3 पाई आर 2 का स्क्वायर और टाइम्स एच और मल्टीप्लाइड में ऑफकोर्स एन तो करूँगा। चलिए 3 से 3 को आप उड़ा सकते हैं, पाई से पाई को आप उड़ा सकते हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, 4 1 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय में आर 2 का स्क्वायर एच, ऐसे ऐसे वैल्यू पहले भी आए हैं आपके साथ, है ना। यहाँ पे 4 कर दीजिए आर 1 का क्यूब, आर 1 इधर था ना, कितना निकाला था हमने 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए डिवाइडेड बाय में आर 2 का स्क्वायर, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बस दो ही बार करना है क्योंकि आर का स्क्वायर और इंटू में हाइट की जगह कितना आपके पास 8 है और इक्वल टू में क्या है एन है। डेसिमल हटेंगे ऊपर 2 0 और लग जाएंगे बोले तो 100 लिख दीजिए सीधा। चलिए 4 से इसको काट दीजिए कितने बार में 2 बार में, 25 से काट दीजिए इसको कितने बार में 4 बार में, 5 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए वही 2 बार में, चलिए 2 से ये वाला 2 उड़ जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, कितना बचा 10 20 4 80 और कुछ बचा क्या, एन की वैल्यू 80 आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक 80 है। क्वेश्चन नंबर 8 द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर हमने निकाल दिया और नंबर ऑफ द कोन्स रिकास्ट कितने 80, बिल्कुल सही है। तो ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की, एक तो रेडियस निकालने के लिए बोला था, इसमें 2 पार्ट थे, पहले पार्ट में रेडियस बोला था वो हमने निकाल दिया, मैंने तो देखा भी नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, ये वाले कितने बन रहे हैं वो चीज़ मैंने चेक कर लिया, तो उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ी, बट फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन था कि रेडियस निकालना है उसके बाद इसको निकालना, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोगों का काम है बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, रेस्ट जो वीडियोज हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो अभी का काम है आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।